हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में निफ्टी बताया था कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। 9150 के आसपास एक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस एक हमें फॉल देखने को मिला है। वापस ये हॉरिजॉन्टल लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9040 जो कि लो है। 9040 लेवल अगर टूटता है तो वापस हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। व्यू अभी भी बेरिश ही है निफ्टी में, बट 9040 के नीचे कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। सो इट्स अ कंडीशनल सेल। 9040 के नीचे व्यू बेरिश हो जाएगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखें 18,200 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अगर आप देखें ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, डाउनवर्ड चैनल में, और इसमें भी अभी व्यू बेरिश ही है। और यहाँ से मुझे लगता है वापस वही टारगेट 17,000 एंड 16,500, ये दो टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट साइड की तरफ ही ध्यान देना है, निफ्टी शॉर्ट साइड की तरफ ही ध्यान देना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ ट्रेड्स बताए थे। सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था मैकडॉवेल, अगर आपको याद है। इसमें क्लासिकल पैटर्न बना था और मैंने आपको बताया था कि 580 के ऊपर अगर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। 600 और 620 के टारगेट्स मैंने दिए थे इसमें। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। 600 और 620 के टारगेट दिए थे मैंने इसमें, और आज अगर आप देखें इसमें 610 तक के लेवल आ गए। सो इसमें काफी अच्छा पैसा बना, एक काफी बड़ा पैसा बना इसमें। अगर आपने किसी ने ये स्टॉक को ट्रेड किया है और इसमें प्रॉफिट बनाया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने मैकडॉवेल ट्रेड किया है एंड यू मेड सम प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था ओरो फार्मा। ओरो फार्मा भी मैंने, अगर आपको याद है मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, ये भी मैंने 700 के ऊपर बाय दिया था, और इसमें भी अगर आप देख सकते हो 720 के लेवल क्लोजिंग टाइम तक आ चुके। इसमें भी काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बना, ओरो फार्मा में और मैकडॉवेल, ये दोनों में काफी अच्छा प्रॉफिट बना। थर्ड स्टॉक मैंने दिया था कल लुपिन। लुपिन अगर आपको याद है मैं 3 दिन से बता रहा हूँ कि एक रेंज में है, और ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लुपिन भी मैंने कल बाय दिया था और आज इसमें 885-890 तक के लेवल देखने को मिले, तो इसमें भी काफी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 स्टॉक दिए थे, 3 ट्रेड दिए थे, और तीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, और तीनों ट्रेड मैंने लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन किए थे। खासकर मैकडॉवेल मैंने आपको क्लीन एंड क्लियर लॉजिक समझाया था। मैं आपको लॉजिक के साथ ट्रेड बता रहा हूँ ताकि आप लर्न करो, सीखो ये सब। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ ट्रेडर। मैं आपको ट्रेडर बनाने के लिए लॉजिक के साथ ट्रेड दे रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट भी दे सकता हूँ ट्रेड, लेकिन मैं लॉजिक एक्सप्लेन करके आपको ट्रेड दे रहा हूँ ताकि आप ये सब सीखो। सो आई होप आपको वीडियोस काफी अच्छे लग रहे होंगे और आप लर्न कर रहे हो। यू आर मेकिंग प्रॉफिट एज वेल एंड यू आर अर्निंग एज वेल एंड लर्निंग एज वेल। मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। इसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी एक लाइव ट्रेड दिया था जुबिलेंट फूड, उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना। तो आज जो मैंने आपको 4 ट्रेड दिए टोटल, एक लाइव ट्रेड भी दिया, उसमें सब में काफी अच्छा प्रॉफिट बनाए। लास्ट वीडियो के 3 ट्रेड्स एंड एक जुबिलेंट फूड का लाइव ट्रेड। अब डिस्कस करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा SBI। SBI अगर आप देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको कंटिन्यूसली, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, मैं ये स्टॉक 190 के लेवल से शॉर्ट दे रहा हूँ, 195 के लेवल से मैं सेलिंग ही बोल रहा हूँ इसमें, और ये काफी वीक स्टॉक है। 150 का मेरा टारगेट भी इसमें आ चुका है। अब अगर 150 के नीचे जाता है तो 120 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये काफी वीक स्टॉक है, काफी बेरिश स्टॉक है ये, और इसमें मुझे लगता है वापस एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। आज भी इसने ट्राई किया था 155-156 लेवल क्रॉस करने का, वापस ये गिर गया, इसमें एक फॉल हमें देखने को मिला। 150 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 135-140 ये पोजिशनल टारगेट्स हो सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, एक्साइड में भी एक मैकडॉवेल जैसा ही पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न है, एंड अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ से 160-158 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। 10-15 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है एक्साइड में। सो एक्साइड काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको लाइव ट्रेड भी मिल जाता है, प्लस आपको ये ट्रेड्स के लेवल्स भी मिल जाते हैं। लास्ट स्टॉक होगा HCL टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी एक काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, अगर आप देखें ये सपोर्ट है एंड यहाँ पे ही बार बार स्टॉक टच कर रहा है,
एक बार टच कर चुका है, अब मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। एंड 538 540 के लेवल के ऊपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ये वीडियो में एक टारगेट लेके चलते हैं, ये वीडियो में एटलीस्ट 10,000 प्लस व्यू आना चाहिए एंड 100 लाइक्स आने चाहिए, सो दैट वी गेट मोटिवेट एंड वी गिव यू मोर ट्रेड्स एंड मोर लर्निंग वीडियोज एज वेल। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।